हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आज पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम, उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी के अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात, ठीक है? थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको जो चीज पढ़ाऊंगा वो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो चीज आपको समझानी है और कैसे समझानी है, कैसे वो आपके दिमाग में फिट करनी है, कैसे आपको सिखानी है, वो सब मुझे अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, मतलब मेरे ही अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो वही चीज आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। एक लाइन का क्वेश्चन हो या 5 लाइन का, आंसर सिर्फ 2 ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे, थोड़ा बेसिक से समझाना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि एकदम से भागेंगे, थोड़ा मीडियम चलेंगे। जिन बच्चों के बिल्कुल भी नहीं आता उन बच्चों को थोड़ा ही समझ में आ जाएगा, और जिनके आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं इसको आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत आसानी से समझोगे। देखिए यहां पर कोई सवाल दिया है, ए रेसो बी इज इक्वल टू 3:4 के बराबर है, और बी रेसो सी इज इक्वल टू 8:9 के बराबर में है। तो आपको ए रेसो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो हमको वैल्यू दिया है मैं उसको अलग लिख लूंगा यहां पर, ऐसे ए रेसो बी बराबर कितना दिया है, 3:4। बी रेसो सी इज इक्वल टू दिया है 8:9, ठीक है? अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो क्या, देखिए जो वैल्यू जिसकी दी हुई है वो वैल्यू उसी की होती है, पहली बात ये, फर्स्ट ये तो सेकंड इसी की वैल्यू ये, इतनी बात आपके क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? देखिए अब ये बात आपको पता चल गई कि जो वैल्यू जिसकी नंबर पे दी हुई है वो उसी की है। सेकंड बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, जैसे कि ए रेसो बी, बी रेसो सी, तो जो यहां पर वैल्यू खत्म हो रही है वही यहां पर स्टार्ट होनी चाहिए। ये सेकंड बात है आपके याद रखने के लिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? कि जो वैल्यू यहां पर खत्म हो रही है वो यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, और ये वैल्यू और ये वैल्यू एक सी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं कि ये दोनों वैल्यू सेम मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इसको इसी के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ये फर्स्ट रेशो, सेकंड फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? थर्ड फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको करोगे कैसे आप, देखिए यहां से हम फाइंड क्या करेंगे, इस टाइप से हमें फाइंड क्या होगा, हमें फाइंड होगा ए रेसो बी रेसो सी। ये हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास जो यहां पर वैल्यू खत्म हो रही है वही यहां पर स्टार्ट होनी चाहिए, ये चीज आपके पता होनी चाहिए। पता नहीं है तो यहां पर लिखी होनी चाहिए, अगर कभी इनको रिवर्स कर दिया, आपस में चेंज कर दिया, तो इनको आपको वहीं पर लाना है जैसे कि यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वो यहाँ पर लाना है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए रेसो बी रेसो सी। अब वो कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है? अब 8 3 कितने होंगे, 24, ये हो गई पहली कंडीशन। अब रेसो, अब सेकंड में मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 4 32। थर्ड, अब लास्ट में इन दोनों की करनी है, 9 4 36। इतना काम हुआ। अब ये वैल्यू बन गई हमारी, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 32 और सी की वैल्यू 36, ठीक है? ये आंसर आ गए आपके। लेकिन ऑप्शन में तो 3 कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि ए रेसो सी, तो ए रेसो सी की वैल्यू हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है? सॉरी, ए रेसो सी की वैल्यू, ए रेसो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू कितनी है, 36। अब इनको हमें सॉल्व करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 24 और 36 तो ऑप्शन में है नहीं, अब हम इनको क्या करेंगे, काट लेंगे, जिस भी वर्ड से दोनों कट जाएंगे नंबर से, तो इनको मैं 4 से काटता हूँ, 4 6 24 और 4 9 36, ठीक है?
छेनो भी ऑप्शन में नहीं है, अब इनको भी काट लो जिससे कटेंगे। 3 से काट लिए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये लो। अब तो ये तो किसी से नहीं कट रहे कि 2 और 3 ऑप्शन में देख लो, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है सही। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा है, लेकिन पैटर्न अगर आपके समझ में आता है तो फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है 20 मिनट में हो रहा है। अगर ये पैटर्न आपके समझ में आ गया तो यहीं पर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर समझ में नहीं आया, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आप देखना मैं जब ये वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। और इसी टाइप के मैं आपको 4 5 6 7 क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आपके क्लियर नहीं हो जाने का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी और देखते हैं। देखिए ये भी सेम ही है, कुछ नहीं करना, ए रेसो बी 3 2, बी रेसो सी 3 4, फाइंड करना है ए सी। देखिए क्या पैटर्न है, आपने अलग अलग पढ़ा होगा, कहीं पर आपने पढ़ा होगा ये ए रेसो बी और बी रेसो सी, ये पढ़ा होगा। और यहाँ पे आप कर लेते हो बी और यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पे बी सी बी, कुछ इसी टाइप से कर देते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन हमारा वो वाला तरीका नहीं है, हम सिंपल वे में चलेंगे बिल्कुल आसानी से, जिसको कोई भी समझ सके, आराम से चलेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी, ए बी सी की निकलेगी, ए रेसो बी रेसो सी। ठीक है, पैटर्न क्या था, 3 3 9, 3 2 6 और 4 2 8। ठीक है, अब इसमें वैल्यू किसकी पूछी है, आप देख सकते हो ए रेसो सी की, तो ए रेसो सी की वैल्यू तो 9 रेसो 8। अब अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट सकते हो, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहे तो आपका आंसर क्या होगा, 9 रेसो 8। 9 रेसो 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आई थिंक ये आपके चीज समझ में आ रही होगी, अगर ना आए तो कमेंट करके मुझे तुरंत बता दें, क्योंकि जितना लेट आप करोगे समझने के लिए उतना ही टाइम लगेगा मुझको आपको समझाने के लिए। तो ऐसा ना करें, अपनी तैयारी अच्छी रखें, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ो उस चीज को, जरूरी नहीं रिपीट करके पढ़ते रहो, लेकिन जब तक पढ़ो जब तक वो चीज समझ में ना आए। तो चलिए और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। W1 W2 2 3, W1 W3, देखिए यहां पर वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। W1 रेसो W2 कितना है, 2 3, और W1 रेसो W3 1 2। तो देखिए हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैल्यू यहां पर होनी चाहिए नंबर, वही नंबर यहां होनी चाहिए नंबर, ये नंबर और ये भी चेंज हो जाएंगे जब हम इनको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, चाहे तो आप W1 को इधर ले आओ, क्योंकि अगर W1 को आप इधर लाओगे तो ही ये इक्वेशन सही होगी। अगर आप W2 को इधर रखोगे, W3 को इधर ले आओगे और W1 को इधर, और ये इक्वल सेम रखोगे, तो ये आपका पैटर्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इन दोनों चीजों को मैच करना है। तो मैच कैसे करोगे, या तो इस W1 को इधर ले जाके करोगे, वरना तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो जब हम W1 को इधर लाएंगे, यानी कि इसको इससे रिप्लेस करेंगे और इसको इससे, तो सिंपल सी बात है, ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा, नंबर भी आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 3 2 चेंज करके, और इसको लिख देता हूँ W2 रेसो W1। ये लो W2 रेसो W1। लेकिन अब यहां पर क्या है वैल्यू, अब यहां पर वो नहीं है ना कि भाई W1 W2 W3, अब वैल्यू क्या आएगी, देखिए सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू आएगी W2 रेसो, फिर जो वैल्यू ये यहां पर है W1, फिर रेसो ये वाली बची हुई वैल्यू W3। अब आपका आंसर इस टाइप से आएगा सोल्व करने के बाद, क्योंकि ऊपर पहले क्या है W2, फिर W1 है, फिर W3 है, तो उसी हिसाब से W2 W1 W3 वैल्यू आएगी। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 3 1 3 रेसो 2 1 2 रेसो 2 2 4। अब आप W2 W1 W3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो पूछा क्या है W2 और W3, W2 ये और W3 ये, यानी कि फर्स्ट और लास्ट की, तो 3 रेसो 4 है W2 W3 की वैल्यू, तो 3 4 देख लो, 3 4 पहला ही ऑप्शन है आपका, ठीक है, 3 4 फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका। आई होप कि चीज आपके समझ में आने लगी होंगी। देखिए इसी टाइप से बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं आपको सभी क्वेश्चन सेम करवाने लगूंगा तो सारे टाइम निकल जाए,
और फिर आप कहोगे कि सर ने कुछ फालतू में पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन में पूरा निकाल दिया वीडियो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मैं आपको इसके आज दो से तीन टॉपिक कराऊंगा, दो से तीन टाइप कराऊंगा अलग अलग रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे समझने में भी और करने में भी फायदा मिलेगा आपको, एक साथ तीन चीजें। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद इसके दो क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस से करने के लिए इस पैटर्न के, फिर उसके बाद न्यू पैटर्न पर हम फोकस करेंगे। देखिए ये भी सेम वैसे ही है जैसे अभी कराया था आपको। सबसे पहले एक्स वाई क्या है, 12 5। अब देखिए यहां पर क्या है, जेड वाई। अगर मैं इसको जेड वाई करूं तो मेरे को वैल्यू सारी सेम लिखनी पड़ेंगी, 21 16। लेकिन हमको क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम करनी है। जब ये वैल्यू सेम करेंगे तो क्या होगा, इस पैटर्न को हमें इस लाइन को नीचे वाली को उल्टा लिखना पड़ेगा, वाई को इधर और जेड को इधर, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, तो नया पैटर्न बनेगा वाई रेसो जेड का, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी 16 रेसो 21। तो हम इस वाली को हटा देंगे, ठीक है, इतनी चीज समझ गए, क्योंकि जो चीज यहाँ पर है वो ही हमको यहाँ पे रखनी है। इस बात को आप ध्यान रखना, हमने कभी भी भूलना मत। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, एक्स वाई रेसो जेड की। तो एक्स रेसो वाई रेसो जेड की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 16 था 160 और 16 दूनी 32 192 रेसो 16 5 80 और 21 5 105, ठीक है। अब वहां पर हमें वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स रेसो जेड की यानी कि फर्स्ट और लास्ट की, तो 192 रेसो 105। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएंगी, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम 3 से अगर भाग करें तो 3 6 18, 1 बचा 3 4 12। अब इसको भी 3 से करो, 3 3 9 और 1 बचा 3 5 15, तो 64 35 आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में है सेकंड वाला, 64 64 रेसो 35। इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, करेंगे क्या लेंगे जब जरूरत ही नहीं है उसकी। जिस जिसकी जरूरत है एक्स और जेड की, वही वैल्यू को आप उठाओ वहां से और उसी वैल्यू को सीधा सोल्व करते चले जाओ। देखो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके ऐसे दिखा रहा हूँ और एक एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, दो दो लाइन में, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ दिन बाद इसका रिवीजन करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे तरीके से इसका रिवीजन बताऊंगा, ना तो आपको लिखने की जरूरत पड़ने की और ना इनकी, सिर्फ ये दो वैल्यू आपकी आएगी और ये भी कहीं कहीं आएगी जहां पर वैल्यू ज्यादा बड़ी हो रही होगी। अगर लग रहा होगा कि वैल्यू छोटी आ सकती है तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर भी आपको निकलवा दूंगा बिना ट्रिक के, ये गारंटी है मेरी। सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए, ट्रिक व्रिक सब आपके हाथ में है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, सिंपल टाइप को, अब थोड़ा सा अलग टाइप पर मोड़ते हैं इसका। आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सबके लास्ट में ही दूंगा एक साथ, ठीक है। तो चलिए अब नए पैटर्न की तरफ फॉलो करते हैं, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती। देखिए ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला मध्य अनुपाती यानी कि बीच का, सेकंड तृतीय अनुपाती यानी कि तीसरे नंबर का, और थर्ड होता है चतुर्थ अनुपाती यानी कि चौथे नंबर का, जो फाइंड करना होता है आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा मध्य अनुपाती कुछ नहीं करना, सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको जो वैल्यू दी है 6 और 54 इनकी गुना कर दो अंडर रूट में रख के, कितना हो गया, 6 चौक 24, 2 बचे 6 5 30, 2 32, ये आ गई। और ये वैल्यू किसकी होती है अंडर रूट में, 18 की। तो आपका सही आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। बताओ यहाँ भी ट्रिक चाहिए कोई? अब ये पैटर्न है भाई, मेरे फॉर्मूला है करने का, ये कोई ट्रिक नहीं है। जो आपको ट्रिक ट्रिक करके पागल बना रहे हैं ना, उनसे जरा पूछ लो एक बार कि ये ट्रिक नहीं है, ये पैटर्न है और ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, अब आप कहोगे कि जी आपने तो ये इतना आसान भी लंबा बना दिया, बताओ। कोई पूछेगा भाई 6 54 का मध्य अनुपाती क्या है, मैं कहूंगा भाई 18 है। अब वो पूछ लेगा भाई क्यों है, मैंने कहा भाई 5 36 और 4 6 24, 324 आ रही है, और 324 जब मध्य अनुपाती निकालते हैं तो अंडर रूट में आती है वैल्यू, और जब अंडर रूट में 324 है तो उसका जब अंडर रूट खोल लेंगे हम तो कितने का अंडर रूट होता है, 18 का होता है स्क्वायर, 324 आ गया आंसर। इतना लंबा कोई करने की जरूरत है, 6 गुणा 54 करो, अंडर रूट में वैल्यू लिख दो, ये ऐसे कर लो ना 6 54 324, अब अंडर रूट निकाल दो 18, या फिर शुरू में ऐसे कर लो 6 54 324 18,
कोई भी तरीका बना लो, चाहे गुणा करके अंडर रूट, चाहे अंडर रूट के अंदर गुणा, मन में निकाल सकते हो, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है भाई भी। कोई लिखने का काम ही खत्म, आपका पेन बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया मध्य अनुपाती। अब आप तृतीय अनुपाती को भी देख लीजिए, बात आपकी है तृतीय अनुपाती की। तृतीय अनुपाती मतलब जो तीसरे नंबर का है। देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में कुछ नहीं है, सेकंड वाले का स्क्वायर करो, डिवाइड बाई पहले से कर दो, तो इसको कर दो 24 गुणा 24 बटे में 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काट दो 12 बार, और 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर थर्ड। बताओ यहां भी कोई ट्रिक दूं? बताओ, अगर आपके 24 का स्क्वायर याद है तो वो कर दो, और उसके बाद आप इसको सोल्व कर दो। मैं तो कहता हूं क्यों करोगे स्क्वायर, जब आपको ऐसे पता है 24 24 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काट दो 12 बार, 12 तिया 36, आ गया आपका आंसर। अब इस चीज को मन मन में कर सकते हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बताओ तृतीय अनुपाती भी सोल्व, मध्य अनुपाती भी। मध्य अनुपाती में अंडर रूट दोनों का गुणा, और इसमें सेकंड वाले का स्क्वायर करो बटे में पहले वाला कर दो, सोल्व आंसर आपके हाथ में। बताओ एक और है चतुर्थ अनुपाती, उसे भी कर लो। ठीक है, अब बचा आपका चतुर्थानुपाति। देखिए मध्यानुपाति आपने कर लिया, तृतीयानुपाति, अब कौन सा बचा है चतुर्थानुपाति। मध्यानुपाति को द्वितीयानुपाति बोलते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए चतुर्थानुपाति में क्या करना है, आपको सेकंड और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 14 गुणा 24 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। लो जी आपका क्वेश्चन सोल्व, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगे, और आंसर आपके हाथ में। बताओ ना ट्रिक ना टिप्स, सिर्फ पैटर्न और फॉर्मूला, करने का तरीका कुछ नहीं करना, सेकंड और थर्ड वाले को गुणा करना है, डिवाइड बाई फर्स्ट वाले से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा चतुर्थानुपाति में। ठीक है, अब बिना देर करते हुए अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सिंपल से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक। ठीक है फ्रेंड, ए बी 5 4, बी सी 6 2, ए बी सी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन करा दिया है, एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई निकालना है, सेम क्वेश्चन करा दिया है। 12 12 का मध्य अनुपाति निकालना है, ये भी करा दिया है। 7 14 का तृतीय अनुपाति निकालना है, ये भी करा दिया है। 2 3 तथा 4 का चतुर्थ अनुपाति यानी कि फोर्थ अनुपाति निकालना है, क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, और ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। कब तक ऑप्शन के सहारे रहोगे, कुछ खुद से भी सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, इनसे थोड़े हार्ड टाइप के, लेकिन पहले इनके आंसर चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, देरी किस बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।